नमस्कार, मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। मैं आज आप लोगों को बीएससी होम साइंस पार्ट 3 के सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आने वाले पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों में से या पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के अंतर्गत डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के विषय में आपसे चर्चा करूँगी। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 में इटली के रोम शहर में हुआ था और ये बहुत विद्वान और बहुत प्रखर बुद्धि की थी। इनके द्वारा इन्होंने एमडी की उपाधि एमडी का कोर्स पूरा किया। इसके पश्चात इन्होंने अपना कार्य शुरू किया, परंतु उन्होंने मुख्य कार्य लंगड़े, लूले, बहरे, गूंगे इस प्रकार के बालकों के ऊपर उनकी शिक्षा और उनके किस प्रकार से उनका विकास किया जा सकता है उसके लिए उन्होंने अध्ययन या कार्य करना प्रारंभ किया। और इसीलिए उनके द्वारा जिस पद्धति का आविष्कार किया गया उसे मॉन्टेसरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अधिकांशतः विकलांग और मंदबुद्धि बालकों पर अधिक कार्य किया था। मानव जाति की सेवा करते हुए 81 वर्ष की आयु में 6 मई 1952 को उनका हॉलैंड में निधन हो गया था। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिन किताबों के आधार पर उनका जो शिक्षा दर्शन है या उनके द्वारा किस किस प्रकार की शिक्षा का आविष्कार किया गया या उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया, तो हम सबसे पहले मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दिए गए शिक्षा दर्शन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। उनका ये मानना था कि शिक्षा से हमारा तात्पर्य बच्चे को उपयुक्त वातावरण में विभिन्न शक्तियों का, शारीरिक क्षमताओं, मानसिक क्षमताओं, जितनी भी उसकी भावात्मक सामाजिक चीज़ें विकास है, क्षमताओं का, योग्यताओं का विकास करना, साथ ही साथ आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वातावरण के अनुकूल व्यवहार करना सीखना भी शिक्षा का कार्य है कि हम सीख सकें। और साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा सक्रिय सहायता प्रदान करके, अच्छी तरह से उसे शिक्षा प्रदान कर अपने जीवन का सामान्य विस्तार बालक कर सके, यह उनका शिक्षा दर्शन था। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए। उनमें पहला उद्देश्य था कि बालक की अंतः शक्तियों का विकास करना। बालक के अंदर जन्मजात बहुत सारी अंतः शक्तियाँ पाई जाती हैं। ऐसा मानना है कि मनुष्य के अंदर जितनी शक्तियाँ होती हैं उन शक्तियों का हम बहुत कम प्रतिशत भाग जो है वो उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि जो आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी जो क्षमताएं थी उन क्षमताओं का सिर्फ 10% भाग का उपयोग किया था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमताएं हैं पर वो उनका बहुत कम उपयोग कर पाता है। तो उनका ये मानना था, मारिया मॉन्टेसरी का, कि हम इन्हीं क्षमताओं, योग्यताओं को बच्चों में बाहर लाएं, जिससे कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताओं का उपयोग कर सकें। व्यवहारिक कुशलता का विकास करना, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण के अनुसार जो आंतरिक के अलावा वातावरण या अप्लाइड रूप से हमें जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन क्षमताओं, योग्यताओं की आवश्यकता है उनका विकास करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तीसरा है संपूर्ण जीवन की तैयारी। बालक जीवन भर विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाला है, उसको जीवन में क्या बनना है, क्या करना चाहता है, उसकी तैयारी भी इसके द्वारा किया जाना आवश्यक है। चौथा है इंद्रियों का प्रशिक्षण। हमारी जो पांचों ज्ञान इंद्रियों, उन ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण प्रदान करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा इन्होंने, ये इनके द्वारा बताए गए 5-4 उद्देश्य थे। इसके अलावा इन्होंने बताया कि बच्चों को जो पाठ्यक्रम है या जो हम शिक्षा पद्धति उनकी थी उसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। उनका ये मानना था कि बच्चों के नैसर्गिक विकास और रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। मतलब कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो उनकी इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। साथ ही साथ जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए वह क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम या वर्क सेंटर्ड या एक्टिविटी सेंटर्ड पाठ्यक्रम में करिकुलम होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न खेल प्रवृत्ति, खेल क्रियाएं, अध्ययन विषय संबंधित लिखना, पढ़ना, गणित, इन सब, नृत्य, संगीत, इन सब की शिक्षा बच्चों को दी जाए, ऐसा इनका मानना था। और जिसके द्वारा हम बालक का अच्छी तरह से विकास जो है वो कर सकेंगे या विकास संभव हो पाएगा, ऐसा मारिया मॉन्टेसरी का मानना था। इसके अलावा अब आता है कि जो उन्होंने शिक्षा पद्धति दी
यह शिक्षा पद्धति का विकास किया, उसके कुछ सिद्धांत उन्होंने बताए कि शिक्षा प्रणाली जो है या मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली है उसके क्या क्या सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है विकास के लिए शिक्षा का सिद्धांत, मतलब जो बालक जो है उसका विकास अच्छी तरह से हो सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से बालक विकसित हो सके, उसको जितना बढ़ना चाहता है, जितना चीज़ें ज्ञात कर जानना चाहता है, वो सारी चीज़ों का विकास शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा है पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बच्चे को अनुशासन में जरूर रखा जाए, पर अनुशासन के साथ साथ उसे पूर्ण शिक्षित करना भी आवश्यक है। तीसरा है खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत, बालक को जो भी शिक्षा दी जा रही है वो खेल के माध्यम से दी जाए। यदि हम बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते जाएंगे तो बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पर यदि हम उसको खेल खेल में विभिन्न चीज़ों को सिखाते हैं तो बालक आसानी से सरलता से जल्दी सीख पाएगा। साथ ही साथ व्यक्तित्व का सिद्धांत, हर बच्चा ये माना जाता है साइकोलॉजी के अनुसार कि प्रत्येक बालक जो है वो अपने आप में एक अलग होता है, उसके अलग अलग हर चीज़ों की क्षमताएं, योग्यताएं, रुचियां, सब कुछ उसकी अलग अलग होती हैं। तो हमें जब शिक्षा का निर्माण कर रहे हैं या जो भी चीज़ बच्चों को सिखाई जा रही है या जो पाठ्यक्रम बनाया जाए या जो भी चीज़ शिक्षण पद्धति अपनाई जाए, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक बालक क्योंकि अपने आप में इंडिविजुअल अलग है, इसलिए उस चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा स्वशिक्षा का सिद्धांत, स्वशिक्षा के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य बच्चे की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिज्ञासा प्रवृत्ति है, उसको शांत किया जाए या उसको वो ठीक तरह से सीख सके। इसके अलावा है मांसपेशियों का विकास, क्योंकि बालक का यदि शारीरिक विकास हमें करना है तो उसकी मांसपेशियां सुस्त होनी चाहिए, तभी बालक का शारीरिक विकास ठीक से संभव हो पाएगा। मांसपेशियों के विकास से ही हम उसका मोटर डेवलपमेंट ठीक प्रकार से कर पाएंगे, तो उसके लिए उसे चलना, फिरना, उठना, बैठना, इस प्रकार की विभिन्न क्रियाएँ कराई जाएँ जिससे कि बालक की मांसपेशियों का विकास हो सके। व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत, अगला सिद्धांत है व्यवहारिक शिक्षा का। व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत से मतलब है कि हमें अपने व्यवहार में, रोज दिनचर्या में, दिन प्रतिदिन के कार्यों में जिस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है, उन सब चीज़ों को भी शिक्षा के द्वारा सिखाया जाना चाहिए। अगला लास्ट आता है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा से तात्पर्य जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों को भी विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं या जो भी कार्य करते हैं वो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही कर पाना हमारे लिए संभव हो पाता है। अब इसके बाद आता है मॉन्टेसरी शिक्षा, मतलब मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा क्या शिक्षा पद्धति दी गई थी, उनकी जो शिक्षण पद्धति उन्होंने बताई थी उस शिक्षण पद्धति में उन्होंने तीन तत्वों का समावेश किया था। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और तीसरा भाषा शिक्षण। मॉन्टेसरी के द्वारा जो शिक्षा पद्धति दी गई थी उसमें 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष की आयु के बच्चों को ऐसी जो शिक्षा दी जा रही है उसमें स्थूल वस्तुओं का ज्ञान पहले कराया जाए, सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान बाद में कराया जाए, क्योंकि बालक स्थूल चीज़ों को जल्दी सीख सकता है। साथ ही साथ उसे जब हम कोई भी शिक्षा दे रहे हैं तो उसे हम स्वतंत्रता पूर्वक करने की स्वतंत्रता दें, वो जैसा चाहता है, जिस प्रकार से चाहता है वो दिया जाए। साथ ही साथ मॉन्टेसरी का ये मानना था कि बच्चों का जो स्कूल है वो बच्चों का घर है, चिल्ड्रंस होम है, इसलिए उन्हें उस प्रकार की छोटी छोटी क्रियाएं भी कराई जानी चाहिए। अब पहले आता है कर्मेंद्रियों की शिक्षा। कर्मेंद्रियों की शिक्षा से हमारा तात्पर्य है भोजन परोसना, भोजन करना, विभिन्न प्रकार के हमारे जो छोटे रोज दिन प्रतिदिन के कार्य हैं, घरेलू कार्य हैं, इन सब की शिक्षा बच्चे को दी जाना चाहिए, जिससे कि वो पहले अपने आप को, अपने कार्यों को स्वयं करने में स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। दूसरा आता है ज्ञानेंद्रियां। हमारे मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जानकारी या ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो मारिया मॉन्टेसरी ने प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षण यंत्रों का बताए थे, और जिससे कि हम अलग अलग शिक्षण यंत्रों के माध्यम से, लकड़ी के गुटकों के माध्यम से, बेलनाकार माध्यम से, चीज़ों के माध्यम से, खुरदुरी चीज़ें, चिकनी चीज़ें, ऐसे अलग अलग प्रकार की शिक्षण यंत्र थे जिन माध्यमों से उन्होंने हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों को विकसित करने के लिए कार्य किया कि विकसित की जा सकती है। उसमें पहला है जैसे स्पर्श इंद्रिय। अब स्पर्श या टच जो सेंस है, टच सेंस हमें कैसे पता चलेगा, हमारे हाथों में कि जो सामने की उंगलियाँ हो क्या होती हैं इनमें स्पर्श का ज्ञान होता है, तो इसके द्वारा हम चिकनी चीज़ें, खुरदुरी चीज़ें, ज़्यादा खुरदुरी चीज़ें, फरी चीज़ें, इस प्रकार की चीज़ों का यदि हम बच्चे को स्पर्श करके बताते हैं तो बच्चों की स्पर्श इंद्रियों का ज्ञान
ठीक से विकसित हो पाएंगी। इसके बाद आता है दर्शेंद्री। हम देख करके विभिन्न वस्तुएं, रंग, आकार, चीजें हम बता सकते हैं, रंग बिरंगी वस्तुएं बता सकते हैं, जिसके द्वारा बच्चों की स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान होगा। घ्राण इंद्रिय के द्वारा हम विभिन्न उस यंत्रों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जो सुगंध है उनको हम उसको सुघास करके बता सकते हैं, सिखाया जा सकता है। श्रवण इंद्रियों के द्वारा हम उन्हें अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुना करके उनका विकास कर सकते हैं। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की गंध, स्वाद के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वाद, खट्टा, मीठा, नमकीन, इस प्रकार के स्वादों का ज्ञान करके हम ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। आता है अंत में भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण के अंतर्गत मारिया मोंटेसरी का ये मानना था कि पहले बच्चे को पढ़ने से पहले लिखना सिखाना चाहिए, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा कठिन है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता तो बोलने में उसे कठिनाई होती है। उच्चारण सही होना चाहिए, इसलिए बच्चे का जब थोड़ा बड़ा हो जाए तभी वो सही उच्चारण कर पाएगा। इसलिए बच्चे को पहले छोटी आयु में उसे पहले लिखना, उसके बाद फिर पढ़ने का चीज़ें सिखाई जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे की मांसपेशियों का विकास भी हो पाएगा। अब इसके बाद आता है, इन्होंने शिक्षा पद्धति में अपनी विभिन्न प्रकार के शिक्षा उपकरणों के बारे में भी बताया था, और ये जो उपकरण उन्होंने बताए थे वो इनकी जो शिक्षा पद्धति के अंतर्गत जो तीनों तत्व थे, कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय और भाषा शिक्षण, उसी से संबंधित अलग अलग चीज़ों से संबंधित अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बारे में उन्होंने उपकरणों के बारे में बताया था। जैसे कि कर्मेंद्रियों की यदि हमें शिक्षा देनी है तो उसके लिए हमें मेज, कुर्सी, दरवाजे, पल्ले, पॉलिश, सोफे, इस प्रकार की घर की चीज़ें जो हैं उनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए या दिखाना चाहिए, जिससे कि बच्चे उन उपकरणों को सीख सके या जान सके कि घर में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या चीज़ें जो रोज़ हमारे प्रतिदिन के कार्यों में आने वाली है वो किस प्रकार की होती है। अगला आता है ज्ञानेंद्रियों के लिए। ज्ञानेंद्रियों के लिए ठोस वस्तुओं के लिए तीन प्रकार के सेट, खुरदरी चीज़ें, चिकने प्रकार की चीज़ों के सेट, उसके बाद ज्यामितिक ठोस वस्तुओं की चीज़ें, रंग के अलग अलग प्रकार के गुटके, दोनों कई प्रकार की संदूकें, कार्डों की मालाएं, मोतियों की मालाएं, रंग बिरंगे, इस प्रकार की संगीत की घंटियां, ये सब चीज़ों को उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के लिए उन्होंने बताया था। तीसरा है भाषा और गणित के सीखने के लिए उपकरण। इसमें इन्होंने रेतमाल पेपर के चिपके हुए आकार, अक्षरों के कार्य बताए, विभिन्न प्रकार के परिणाम और रंगीन तख्तों की वर्णमालाएँ बताई, पोथी बताई, इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी वस्तु चीज़ें बताई थी। साथ ही साथ इन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति में शिक्षा के विषय, मतलब जो अलग अलग कक्षा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किसी भी अलग अलग कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को किस प्रकार की सामग्री या वस्तुओं की आवश्यकता कक्षावार होगी, उसका भी उन्होंने हमें बताया कि हम अलग अलग कक्षा के आधार पर किस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी थी, उन्होंने शिक्षक और बालक का संबंध किस प्रकार का होगा इसके विषय में भी अपनी शिक्षा पद्धति में बताया। उनका ये मानना था क्योंकि क्रिया प्रधान शिक्षा पद्धति होनी चाहिए इसलिए, और बालक को कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, इसलिए शिक्षक का कार्य सिर्फ एक निर्देशक के रूप में होगा या वह उसे सिर्फ गाइड करेगा, उसे पूरी तरह से यह नहीं करेगा कि वो उसको ऐसा ही करना है, इसी प्रकार से करना है, या अपनी चीज़ों को वो थोपने का कार्य बच्चों पर नहीं करेगा। वो बच्चों को सिर्फ निर्देशित करेगा, एक निर्देशक रूप में कार्य करेगा, जिससे कि, या एक हेल्पर के रूप में कार्य करेगा, जिससे बच्चों का विकास ठीक प्रकार से हो सके और बच्चे अपने अनुसार, अपनी जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से वो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सके। मारिया मोंटेसरी का ये भी मानना था कि मोंटेसरी शिक्षा जो है वो मुख्यतः पुरुषों के बदले महिलाओं को शिक्षक, उसमें महिला शिक्षकों को बनाया जाए। उसका मुख्य कारण उनका ये था कि महिलाएं जो हैं वो संवेदनशील होती हैं, मृदु स्वभाव में होती हैं, बच्चों की इमोशंस को जल्दी आसानी से समझ पाती हैं, इसलिए महिला शिक्षक ज़्यादा बेहतर होंगी और बालकों में कोमल प्रवृत्तियों का विकास ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। साथ ही साथ विद्यार्थी के लिए भी उन्होंने शिक्षा पद्धति में प्रमुख केंद्रीय स्थान माना। उनका ये मानना था कि जो भी बालक है उस बालक के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक की जो आवश्यकताएं हैं, जिन चीज़ों को वो पूरा करना चाहता है, उन सब के आधार पर शिक्षण पद्धति का निर्माण किया जाए या शिक्षा दी जाए, जिससे बालक जो है वो अपना विकास ठीक प्रकार से कर सके।
इसके अलावा उनका मारिया मॉन्टेसरी ने जो शिक्षा का पद स्वरूप था उसमें विद्यालय की भूमिका क्या होगी, उसमें उनका मानना था कि विद्यालय जो है वो बालक का घर है, इसलिए बालक को वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण प्रस्तुत किया जाए उसके लिए कि जिस प्रकार से उसे घर में सारी सुविधाएँ मिलती हैं, सारी चीज़ों आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और अपना आत्म प्रकाशन करने की उसे पूरी सुविधा पूरी छूट होती है, उसी प्रकार से उसे स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण स्कूल में या विद्यालय में प्रदान किया जाना चाहिए जिससे बालक का विकास जो है वो अच्छी तरह से हो सके। मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा जो शिक्षा पद्धति दी गई उसके कुछ गुण भी हैं, मतलब उनके द्वारा, और वैसे भी हम देखते हैं कि विश्व में जितने भी मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं वो मारिया मॉन्टेसरी द्वारा बताई गई शिक्षण पद्धति के अनुसार ही चलाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये मानकर चलते हैं कि मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा जिस शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया गया या जिस शिक्षा पद्धति का अनुमोदन किया गया वह मुख्यतः बहुत सारे गुणों से संचयित है या बहुत सारे गुणों से आलोकित है। पहला है बालक की व्यक्तित्व का महत्व दिया गया। पहला उनका जो गुण है वो व्यक्तित्व, मतलब बालक व्यक्तित्व के रूप में या अकेला इंडिविजुअल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए, उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ बालक की मतलब एक जो भी स्कूल है वो एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के आधार पर उन्होंने शिक्षा बच्चों को देने की कोशिश की। भाषा शिक्षण की उन्होंने सर्वोत्तम विधि का आविष्कार किया। शिशु शिक्षा के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही साथ अनुशासन के द्वारा समस्या का समाधान करने का भी इनके द्वारा प्रयास किया गया। साथ ही साथ इनकी शिक्षा पद्धति में शिक्षक का स्थान बालकों के लिए एक मित्र के रूप में है, जिससे बालक अपने मन की जो बातें हैं वो शिक्षक को आसानी से बता सकता है। स्वयं की शिक्षा का महत्व ज़्यादा दिया गया कि बालक को जिस प्रकार की जैसी उसकी आवश्यकताएँ हैं उनके अनुसार शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ उनकी जो शिक्षा पद्धति थी उस शिक्षा पद्धति में व्यवहारिक और सामाजिक गुणों का विकास करने का भी प्रयास किया गया। इस प्रकार से मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा प्री प्राइमरी एजुकेशन में विभिन्न प्रकार से शिक्षा पद्धतियों, उद्देश्य, दर्शन और किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस सब के विषय में आज मैंने आपको बताया। और अगले वीडियो में मैं आपको किसी अन्य विषय से अवगत कराऊँगी। धन्यवाद। नमस्कार।